वेलकम बैक गाइस। तो आज इस वीडियो में करने वाले ये वाले स्कॉर्पियन बंडल का पूरा रिव्यू और आपको बताएंगे इसमें आपको सारे बंडल और इमोट अनलॉक करने में कितने डायमंड लगेंगे। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हमारे आज के वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले आपको लैब सिस्टम में क्लिक कर देना है। सो गाइस लैब सिस्टम में आने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर कोबरा बंडल वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना स्कॉर्पियन बंडल। सो गाइस सिंपली इस पर क्लिक करके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आप इस बंडल को लेते हो तो आपको ये वाला बेसिक बंडल मिलता है जिसमें आपको कोई भी डिजाइन देखने को नहीं मिलती सिवाय बंडल के। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते इसको लेने के लिए 1082 डायमंड लगते हैं जो कि हमारे लग चुके हैं। जिसमें आपको बता दो तो आपको हर बंडल अनलॉक करने के लिए 100 टोकन लगेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले बंडल को अनलॉक करने के लिए 100, इसको भी करने के लिए 100, इसके लिए भी 100 और इसके लिए भी 100। अब दोस्तों 100 टोकन के लिए आपके डायमंड कितने लगेंगे आपको सिंपली यहाँ नीचे अनलॉक पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा तो हमको पता चल रहा है एक टोकन की प्राइस है 10 डायमंड। इसके अलावा आपको ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स को खोलोगे तो ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको बोल रहा है कि एक बॉक्स में आपको 3 से 4 से 5 से 6 टोकन कितने भी मिल सकते हैं एक बॉक्स से 40 का। यानी मान लो 40 डायमंड में आपने खरीदा और 6 टोकन मिल गए तो 60 डायमंड का सामान आपको मिल जाता है 40 डायमंड, जो कि काफी सही है। और हो सकता है आपको 3 ही टोकन मिले तो मतलब हो सकता है आपको 10 डायमंड का नुकसान हो, बट दोस्तों क्रेट खोलने में ही आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। कुल मिला के 100 टोकन के आपके 870 डायमंड यहाँ पर बोल रहा है, बट क्रेट खोलोगे तो 800 डायमंड के करीब आपके लग जाएंगे। और इसके अलावा इमोट की बात करते हैं, अभी दोस्तों एक बंडल अनलॉक करने पर आपको एक इमोट मिल जाएगा। चाहे आप इसमें से कोई भी बंडल को अनलॉक करो तो आपको ये वाला स्कॉर्पियन वाला इमोट मिल जाएगा जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ओपी है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा 2 बंडल को अनलॉक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन। कोई भी आपकी प्रोफाइल में एंट्री मारेगा या किसी ग्रुप में आप एंट्री मारोगे तो इस प्रकार से एंट्री मारने वाला जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ओपी है, कतई जहरीला। इसके अलावा 3 बंडल को अनलॉक कर लोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये इमोट है काफी ज्यादा ओपी है और ये ग्रुप डांस वाला है। आप ये वाला इमोट मारोगे तो पूरी आपकी टीम ये इमोट मारने वाली जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। इसके अलावा दोस्तों 4 को आप अनलॉक कर लोगे यानी कि सभी बंडल को तो आपको ये लुक चेंजर मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा ओपी वाला बंडल का लुक आ जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा ओपी है। मुझे ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी चीजें देखने मिलती है, जैसे कि ये वाली चीज होगी, अगर आप ये वाला खरीद लो तो 20 टोकन में तो आपको ये हाथों में एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। जैसे कि अभी मैं नॉर्मल वाले में दिखाता हूँ और मैंने ये खरीद लिया मान लो तो हाथों में इस प्रकार से एनिमेशन दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वाला भी देखने को मिलता है गन वाला, अगर आपने इसको खरीद लिया तो इस प्रकार से गन हाथ में लेने पर ये एनिमेशन दिखेगा। और इसके अलावा भागने पर आपको ये एनिमेशन दिखाएगा 20 टोकन का, ये भी आपको देखने को मिलता है। मेड किट करते वक्त आपको हर बंडल पर अलग अलग कलर का एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। तो अगर टोटल डायमंड की बात करें तो यहाँ पर 800 800 800 800 3200 डायमंड, बात करें तो 4700 से 4800 डायमंड में आपको ये बंडल मैक्स करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा ही वो बंडल निकालते हैं जैसे कोबरा, तो उसमें भी 5 से 6 हजार डायमंड निकालने में लग जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करके प्यार से कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो में तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।